बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसा कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कंपाउंड के बारे में, जैसा कि पैसेज के बारे में है। जो पैसेज जो देते हैं ना, जो गली वगैरह देते हैं फॉर वेंटिलेशन के लिए या फिर वाटर सप्लाई के लिए, जो भी वर्क के लिए हम जो देते हैं ना, तो उसका यूजेस क्या है और उसका कितना जगह देना चाहिए बताता हूँ इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और जो भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम पैसेज देते हैं, मतलब जो हम वेंटिलेशन के लिए जो ऑफसेट छोड़ते हैं, ऑफसेट मतलब पैसेज ही समझ लीजिए। एक जो ऑफसेट हम छोड़ते हैं ना, जैसे कि आपका 1200 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है, या फिर 600 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है, या फिर 400 स्क्वायर फीट का आपका एरिया, वाट एवर आपका जितना भी स्क्वायर फीट का आपका एरिया है। जैसे कि आप रूम्स देते हैं, 2 बेडरूम्स दे दिए, एक हॉल दे दिए, एक किचन दे दिए, तो सबके लिए वेंटिलेशन चाहिए, मस्ट एंड शुड भी वेंटिलेशन चाहिए। और वेंटिलेशन से क्या होता है, आपको हवा मिलती है और सनराइज की रोशनी मिलती है, और वो एयर से, हवा से आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, सांस लेने के लिए आसानी होगी और अच्छा रहेगा। और जो सनराइज की जो रेस रहेगी, सनराइज की जो लाइटिंग रहेगी, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आपका बिजली का जो बिल रहेगा वो बचेगा, मॉर्निंग टाइम में आपको लाइट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, सनरेस जो सन की जो लाइट होती है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपको कितना स्पेस देना चाहिए, कितनी जगह देना चाहिए, कितना ऑफसेट देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, समझ लीजिए आपका जहाँ पे आपने वेंटिलेशन दिया है, जहाँ पे भी आपने ऑफसेट दिया है, सॉरी जो खिड़की वगैरह छोड़ा है रूम में रोशनी आने के लिए, वहाँ पे आप मिनिमम आपको 600 mm देना है, 600 mm, 600 या 750 mm देना है, 2 फीट या 2.5 फीट आपको देना है। क्योंकि कोई एक तो वो आपको वेंटिलेशन के लिए काम आएगा, हवा के लिए काम आएगा, रोशनी के लिए काम आएगा, एंड अनदर पर्पस क्या है उसका, जो भी आपकी जो पाइपलाइनिंग जाएगी ना, जैसा कि आपका हो गया, जो आपका जो टॉयलेट रहेगा या वॉशरूम रहेगा, यूटिलिटी रहेगा, किचन रहेगा, उसके जितने भी पाइपलाइनिंग जाते हैं ना, गली में से ही जाते हैं, जो ऑफसेट आप छोड़ते हैं वहीं से जाते हैं, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। कभी इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ब्लॉक्स हो गया, तो प्लम्बर आके उसको रिपेयर करेगा। तो प्लम्बर को बैठने के लिए अपनी जगह आपको देना चाहिए, प्लम्बर को आने जाने के लिए, बैठने के लिए मिनिमम समझ लीजिए 750 mm आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब 2.5 फीट आपको देना है। 2.5 फीट, 2.5 फीट कितना होता है वो उतना आपको देना है, 2.5 फीट, और 3 फीट भी देंगे तो अच्छा रहेगा। 2.5 फीट दीजिए नहीं, आप 3 फीट दीजिए, 900 mm दीजिए, अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो प्लम्बर को आसानी से वहाँ पे प्लम्बर बैठ सकता है, बैठ के वहाँ पे जो भी उसका ये रहेगा वहाँ पे उसको अच्छे से रिपेयर कर सकता है। और वहाँ पे आप चम्बर भी दे सकते हैं, 10-10 फीट को चम्बर दे सकते हैं। चम्बर का मतलब ये होता है कि कुछ ब्लॉक्स हो गया ड्यूटी ऑफ हार्ड मटेरियल्स, कुछ हार्ड मटेरियल की वजह से या फिर कुछ आके पाइप में फंस गया, तो विद दी हेल्प ऑफ दी चम्बर से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं, जो भी कचरा ब्लॉक हुआ उसको क्लीन कर सकते हैं। तो मेरा यही आपसे ये था आज का टॉपिक, जो यही थी कि आप ऑफसेट दीजिए 2.5 फीट मिनिमम दीजिए, और 3 फीट 4 फीट भी आप दे सकते हैं। 3 फीट 4 फीट देंगे तो वहाँ पे आपको वॉकिंग करने के लिए या छोटे बच्चे साइकिल चलाने के लिए जगह अच्छा रहेगी और अच्छा स्पेस रहेगा। मिनिमम तो आपको 2.5 से 3 फीट देना है, अच्छा रहेगा, और 4 फीट भी आप दे सकते हैं जो आपका ऑफसेट होता है। सराउंडिंग भी दे सकते हैं आप, सराउंडिंग जहाँ जहाँ पे आपके रूम्स वगैरह आ रहे हैं, किचन आ रहा है, यूटिलिटी बाथरूम वगैरह आ रहा है, सराउंडिंग दे सकते हैं, और जहाँ आ रहा है वहीं पे भी दे सकते हैं, जैसा कि आपका प्लान सेट हुआ है वो हिसाब से आप दे सकते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी आज की। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, न्यू वीडियो के लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।